20 साल बाद बदला लेगा भारत। अहमदाबाद में मिलेगी विराट जीत। कंगारुओं को चुनौती देगी रोहित सेना। बारह साल बाद विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। और आज का दिन बेहद ही खास है। एक तरफ महापर्व छठ है, दूसरी ओर वर्ल्ड कप, जिसकी जीत के लिए सभी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम भी आज आपको दोनों रंग दिखाने वाले। एक तरफ महापर्व छठ पूजा की महाकवरेज, दूसरी ओर आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वर्ल्ड चैंपियन बनने की जंग है, उसकी भी हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया होटल से निकल चुकी है, पूरी तरीके से टीम इंडिया तैयार है और बस मैदान में भारत का परचम लहराना है, जिसकी शुरुआत कहा जा सकता है कि हो चुकी है, कि अब सभी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और सभी को इंतजार है विश्व कप के फाइनल मुकाबले का। और इस फाइनल मैच के लिए टॉस दोपहर 1:30 बजे होगा और मैच की शुरुआत 2 बजे से होगी। अहमदाबाद में आज का मौसम बेहद खुशनुमा है और जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद है। सेमीफाइनल और लीग मुकाबलों समेत टीम इंडिया ने अब तक इस टूर्नामेंट में 10 मैच जीते हैं। एक और जीत उसे चैंपियन बना देगी। जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाए, अब तक भारत 1983 से 2011 में चैंपियन बन चुका है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार खिताब जीता है। इस वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही अपने अभियान की शुरुआत की थी, उसमें टीम इंडिया को जीत मिली थी। और इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भारतीय टीम में एक परिवर्तन किया जा सकता है। मोहम्मद सिराज की जगह रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि इस फाइनल मैच को देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टेडियम पहुंच रहे हैं। तो आज का दिन बेहद ही खास है, आज सुपर संडे कहा जा सकता है और साथ ही प्रार्थनाओं का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है, छठ महापर्व और ऐसे में विश्व कप। सभी को उम्मीद है कि छठी मैया आज टीम इंडिया को ये खिताब दिलवाएगी। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा ये पूरा मैच और दोपहर 2 बजे के बाद आप जी बिहार झारखंड पर ना सिर्फ क्रिकेट की बल्कि महापर्व छठ पूजा की भी महा कवरेज देखना मत भूलिएगा, क्योंकि टीम इंडिया जहां पूरी तरीके से तैयार है विश्व विजय भवा, यही उम्मीद हर एक भारतीय कर रहा है। भारत की टक्कर सीधी ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है और सबसे खास बात यह है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। पिछले मैच में आपने देखा था सेमीफाइनल में विराट कोहली ने किस तरीके से कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, रोहित शर्मा की बात की जाए, शुभमन गिल को आपने देखा था, तो उम्मीदें काफी ज्यादा है राहुल। और देखिए शमी पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, ना सिर्फ अच्छी गेंदबाजी अच्छी बैटिंग बल्कि फील्ड में भी टीम इंडिया को बताना पड़ेगा कि वो अच्छी फील्डिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और चूंकि भारत ने लगातार मैच जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सेमीफाइनल का मुकाबला उसके लिए थोड़ा कठिन लग रहा था और ऐसा लग रहा था जीत होगी हार होगी, लेकिन भारत जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी भारतीय टीम यहाँ। बिल्कुल, और सबसे खास बात है कि अभी तक 10 के 10 जो मैच हुए हैं उसमें टीम इंडिया बहुत ही ज्यादा कहा जा सकता है कि स्कोर के साथ विजयी हुई है। और यही वजह है कि आज जो उम्मीदें हैं राहुल देखिए काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे खास बात यह है कि उत्साह इसलिए भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी देखिए खुद मैच को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। तस्वीरें बता रही है कि ये हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश में जहां एक तरफ महापर्व छठ की छठा है तो वहीं देखिए छठ घाटों पे लोग टीम इंडिया के लिए प्रेयर करते हुए नजर आए कि टीम इंडिया आज अच्छा परफॉर्म करे, आज ये खिताब हमारे नाम हो जाए, तो आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। और वाकई यही उम्मीद यही प्रार्थनाओं के साथ हर एक खिलाड़ी भी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है राहुल। और यही वजह है कि इससे पहले जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप कितने तैयार हैं तो रोहित शर्मा ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और बस वाकई ये जो खिताब है अपने नाम करना है। तस्वीरें देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, देश के हर एक कोने में उज्जैन में महाकाल मंदिर
में यहाँ पर पूजा प्रार्थना की गई। और साथ ही आप तस्वीरें देखिए कि ना सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि तमाम जगहों पर लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जीत के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, घाटों पर जाकर लोग भारत की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि छठी मैया आज कहीं ना कहीं टीम इंडिया को विजयी बनाएगी और यही वजह उम्मीदें बढ़ गई है। तमाम जो बड़े खिलाड़ी है वो भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। कपिल देव की अगर हम बात करें वो कल रात को अहमदाबाद पहुंचे, ऐसे में सचिन तेंदुलकर, तमाम बड़े महान खिलाड़ी भी मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मैच को देखने के लिए पहुंचेंगे। और साथ ही आज विश्व कप का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत अपने नाम करेगा। हम मुंबई से ये गाड़ी सजा के आए हैं और डेफिनेटली इंडिया इस बार कप लेके जाने वाले हैं। 2023 में हम वापस हिस्ट्री रिक्रिएट करने वाले हैं। जो कप हमने दो जीते हैं, तीसरा कप लेने की बारी है हमारी और बहुत जोश है अहमदाबाद का और हम बहुत खुश है ये गाड़ी लेके आए। लोगों की उमंग देख के हम बहुत ज्यादा खुश है। विराट कोहली इज माय फेवरेट प्लेयर एंड रोहित शर्मा डेफिनेटली एज ए कैप्टन हम उसको बहुत चीयर करते हैं। डेफिनेटली हम कप जीत के जाने वाले हैं। हम ये कार डेकोरेट करके आए हैं फॉर टीम इंडिया टू सपोर्ट एंड टू शो आवर लव फॉर टीम इंडिया फॉर द लव ऑफ द गेम एंड फॉर लव ऑफ क्रिकेट। मैं बहुत बहुत होप्स है एंड बहुत ट्रस्ट है कि इंडिया कप जीत के आएगा। तो विश्व